.net पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी .dot का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें .net ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर, बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, तो मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि आज आएगा रिजल्ट, कल आएगा, परसों आएगा और इस तरह से बच्चे को परेशान किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरे द्वारा कोई भी रिप्लाई या फिर कोई भी वीडियो आप लोगों को जो है नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर केवल सही जानकारी ही आप लोगों तक मेरे द्वारा पहुँचाया जाता है। जब तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ मेरे पास नहीं आता है, तब तक मैं न तो आप लोगों को कोई रिप्लाई करता हूं या न ही कोई जो है वीडियो अपलोड करता हूं या जानकारी से रिलेटेड। और आप सबको को पता भी होगा कि मैं इस तरह से प्रत्येक दिन जो है वीडियो नहीं अपलोड करता हूं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है मैट्रिक रिजल्ट से संबंधित एक बहुत बड़ी जो है खबर यहाँ निकल करके आ रही है, जिसके कारण दोस्तों हमने सोचा कि यह खबर आप लोगों को बता देना जो है अच्छा रहेगा, इसलिए आज का यह वीडियो हमने बनाया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है मैट्रिक रिजल्ट 2020 से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जो है खबर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक यह सही न्यूज़ जो है पहुंच सके। और अगर आप लोग जो है इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो है इस तरह का सही जो जानकारी हो वो आप लोगों को तो जो है आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए जो है आप देख लेते हैं कि क्या कुछ जो है खबर जो है आपके रिजल्ट से संबंधित यहाँ पर जारी किया गया। आज का भी खबर जो है कोई गलत नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अभी जो है livehindustan.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और इस वेबसाइट पर कोई भी गलत जानकारी नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड 2 दिनों में लेगा 10वीं की कॉपियों की जांच के बारे में फैसला। यानी कि दोस्तों 2 दिन में आपका जो है कॉपी के जांच से संबंधित जो है फैसला यहां पर जो है लिया जाना है। आपको बता दें कि जो है आगे हम आपको पूरा जानकारी जो है पढ़ करके बताते हैं। आपको बता दें कि मैट्रिक जो आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर जो है आप लोग जो है हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी जो है 2021 में एग्ज़ाम देने वाले उन लोगों को बता दीजिएगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि क्लियरली जो है बताया गया है कि जो भी आप बिहार बोर्ड से 10वीं की परीक्षा है ना देने वाले लाखों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो सकता है। लॉकडाउन की वजह से लगातार कॉपियों के मूल्यांकन का जो है काम चल रहा था, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। लेकिन है ना, लगता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अब 10वीं की परीक्षा की शेष उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जो है प्रारंभ करने का फैसला कर लिया है। और यहाँ पर जो है फाइनली जो है आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन 17 मई तक जो है बढ़ने के बाद मूल्यांकन कार्य को फिर से शुरू किया जाना जाए या नहीं, इस मुद्दे पर जो है सोमवार को बिहार बोर्ड जो है लगातार मंथन कर रहा था। लेकिन इस बीच जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह है ना सर्कुलर जारी किया कि 17 मई तक जो है मूल्यांकन कार्य स्थगित किया जाएगा। लेकिन ये तो जारी कर दिया था कि 17 मई तक जो है स्थगित रहेगा, लेकिन एकाएक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेकिन कुछ ही देर बाद कहा कि मूल्यांकन का काम है ना मूल्यांकन का काम बहाल करने को लेकर 2 दिनों में फैसला लिया जाएगा। जो मूल्यांकन का कार्य बचा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है 2 दिन में जो आपका फैसला लिया जाएगा। डैट मीन्स आपका जो है 6 अप्रैल से लगभग जो है आपका मूल्यांकन कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपका 6 अप्रैल से मूल्यांकन कार्य स्टार्ट हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपका 5 से 10 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो यह कुछ खास खबर था आपके मैट्रिक रिजल्ट से संबंधित। आशा करते हैं कि आज का जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।